हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वाले एस्पिरेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण जो बड़े जो है गंभीर समस्याओं में से एक है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। ये सबकी क्वेरीज हैं कि एक्चुअली कोई तो बता दे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है और उस हिसाब से हम लोग क्या और क्या आगे की स्ट्रेटजी रहेगी, है ना। तो ये चीज़ जो है बड़ा परेशान है सभी लोग, समझ रहे ना। तो देखिए, कुछ दो तीन बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो फाइनल कट ऑफ के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कम है तो क्या करें क्या ना करें, फिजिकल देने जाएं या नहीं, देखिए, है ना। और बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा चार्ज कर पाऊं, समझ रहे ना। रनिंग नहीं हो रही है, थोड़ी टेंशन है, नंबर भी कम है, एक ही नंबर ज़्यादा है, दो ही नंबर ज़्यादा है, और ऊपर से रनिंग नहीं हो पा रही है ना। टेंशन हो रही, करें क्या, इससे बढ़िया जाए ही नहीं। 400-500-1000 बच ही जाएगा, एक दो दिन की परेशानी बच जाएगी, है ना। दशमलव में ही अंतर है कट ऑफ से जो फिजिकल के लिए मिला है, तो बेहतर तो यही है कि मत जाए। ये चीज़ें दिमाग में अभी बहुत तेज़ी से चल रही होंगी, वो उनके लिए है जिनका एक दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, डेसिमल में नंबर में जो है डिफर कर रहा है, डिफरेंस है। तो मैं स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि देखिए, अभी जो है कोई भी सिंगल पर्सन सेलेक्शन जो फाइनल सेलेक्शन है उसकी रेस से बाहर नहीं है, क्योंकि अभी भी नॉर्मलाइजेशन मिला नहीं है, है ना। नॉर्मलाइजेशन अभी प्राप्त हुआ नहीं, तो आप कैसे कह देंगे कि भाई मेरा नहीं होगा, ठीक है। और फिर अभी फिजिकल हुआ नहीं है, चूंकि अगर पिछले डेटा से देखिए, मैं सब कुछ इस पे डेटा तैयार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज से अभी बच रहा हूं कि इस पे वीडियो लाया जाए ना लाए। कोई भी व्यक्ति जो है फाइनल कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एकदम इतना ही जाएगा नहीं बता सकता है, बहुत सारे कारण है उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। हाँ ठीक है, मोटा मोटी आइडिया लोग दे देते हैं। अब देखिए, पिछले बार के इतिहास में अगर आप देखें तो कहीं कहीं पे दो चार नंबर, कहीं कहीं पे तो मतलब 12 नंबर 15 नंबर भी बढ़े, समझ रहे ना, 7 नंबर 8 नंबर अलग अलग। देखिए, कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो स्टेट है ना, कि राज्यवार मामला देखा जाता है, उसके बाद फिर जो जिला है, जिले के हिसाब से भाई आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप बॉर्डर एरिया से हैं, नक्सल एरिया से हैं, जनरल जिले से बिलोंग करते हैं, वो भी एक फैक्टर है। फिर आपकी अपनी कैटेगरी, समझ रहे ना। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली कहना चाह रहा हूँ कि आप इतना क्यों परेशान हैं कि मेरा बड़ा कम नंबर है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड। हाँ, एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार से कट ऑफ कम जाना है इसमें 100%, क्योंकि पिछली बार जो अगर हम देखें तो 12 टाइम्स यानी कि 12 गुना बच्चे लिए गए थे, ठीक है, किसके लिए, फिजिकल के लिए, है ना। तो दौड़ के लिए 12 गुना बच्चे लिए गए थे, इस बार क्या है 8 गुना, समझ रहे ना। और पिछली बार जो है फिजिकल में जो पास हुए थे, जहां तक डेटा निकल के आ रहा है, 1/3%, यानी कि 32-33% ही लोग फिजिकल को क्लियर कर पाए थे, क्योंकि किसी की हाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल में छांट दिए जाते हैं, रेस बहुत 5 किलोमीटर है, सामान्य बात तो है नहीं, तो इसलिए रनिंग की भी लोगों की समस्याएं रह रही हैं। और जिसका ज़्यादा नंबर, ये भी तो हो सकता है ना, जिसका हाई नंबर है वही रेस नहीं निकाल पा रहा हो, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण हैं। तो सोचिए, 32% ही, मैं तो मोटा मोटी 1/3 कह रहा हूँ, मतलब 33% ही लोग फिजिकल पिछली बार पास कर पाए थे जब 12 गुना लोग थे, इस बार 8 गुना है, तो पहले से ही कितना प्रतिशत कम हो गया, पहले से ही ये जो मामला है वो पहले ही कम हो गया गुना में ही, समझ रहे ना। 1/3 तो ऐसे ही खत्म हो गए बच्चे, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, अब सापेक्षता जो पेट के लिए आमतौर पे आती हैं कट ऑफ, तो पिछली बार के जो कट ऑफ रहे हैं उनसे
33% से भी कम नंबर इस बार कट ऑफ में लगेगा। आप देख लीजिएगा आपका किस ज़िले में है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो किस उस वाले में जो है मतलब पिछले एसएससी जीडी की भर्ती में कितना नंबर इंक्रीज हुआ, तो आप देखेंगे तो उसमें से 1/3 आप लेस कर दीजिए, सामान्य सी बात है, 1/3 आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप लगभग उस मोटा मोटी आइडिया तक पहुंच चुके हैं जहां आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो वो फिलहाल मैं उस पर मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप सोचे ज़्यादा अभी जब तक आपको फिजिकल का मौका मिला है, क्योंकि आपको अभी नॉर्मलाइजेशन मिला नहीं है और सारा खेल अभी बाकी है, सारा खेल अभी बाकी है। जिनका अभी 5-6 नंबर ज़्यादा होगा, 7 नंबर ज़्यादा होगा, शायद उनका ना हो और उनका हो जाएगा, जिनका बिल्कुल डेसिमल में नंबर हो बस अंतर, उनका हो सकता है, अभी कुछ भी तो हो सकता है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा फिर से कि भैया नंबर कितना भी कम हो आप फिजिकल देने एकदम 100% जाइए, है ना, जाऊँ या नहीं वाला ये इसको ख़त्म कर दीजिए। और रनिंग नहीं हो पा रही है, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि यार रनिंग ही नहीं हो पा रही है, समझ रहे ना, और मेरा तो यार टाइम 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है, यहाँ 5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, अगर आप वहाँ जाएंगे वहाँ अलग माहौल मिलता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जो कुछ इसमें से वो भी व्यूवर्स होंगे जो पहले फिजिकल दे चुके हैं या किसी अन्य भर्तियों में जिसमें वर्दी वाली बात हो, तो उन्हें ये पता चलता है कि वास्तव में जब आप भर्ती में जाते हैं जहाँ पे फौजी खड़े हों चारों तरफ से, फौजी तोप दिखेंगी, बाकी चीज़ें रिजर्व रहेंगी, जब पहले रैलियाँ होती थी उस समय, है ना, तो क्या ना अपने आप अंदर से एनर्जी अपने आप मिल जाती है। तो आपका जो टाइम मान लीजिए अभी आपको लग रहा था 25 मिनट, समझ रहे ना, अभी आपको लग रहा था 25 मिनट, तो आप 20 मिनट में ही मार के चले आएंगे वहाँ पर। जिसका अगर 30 मिनट लग रहा है वो और ज़्यादा जो है कहीं कहीं उस मामले में आ ही जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं 2 स्टार 3 स्टार, है ना, उन सबको देखेंगे, वर्दियाँ देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो जाएंगे। अगर आप दिल से चाहते हैं वर्दी पाना तो स्वतः आपकी एनर्जी आपके अंदर बन जाएगी। हाँ, आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि दौड़ने से पहले आप कोई सामान्य सा पेन किलर ले लें, हार्ड ड्रग से संबंधित कोई चीज़ें ना लें, तो थोड़ा सा रिलायबल होता है, है ना। ये चीज़ें अब हम लोग कई लोगों को देखे हैं कि हाँ लोगों ने इस्तेमाल किया है पेन किलर से, सामान्य पेन किलर, और उससे जो है लाभ हुआ, क्योंकि दौड़ते समय कम से कम दर्द वगैरह पेन ना हो, है ना, सिन पेन वगैरह होने लगता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और कट ऑफ पे एकदम मत सोचिए, और जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, फिजिकल अभी चल रहा है तो फिजिकल होने के बाद नॉर्मलाइजेशन होना है, होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे सब। उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो नंबर अपने आप कम कम ही बढ़ेगा, फिलहाल होगा ज़रूर, तो और इस होना नॉर्मलाइजेशन होना है, तो इस चीज़ पे एकदम से दिमाग मत लगाइए कि फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो यार मेरा तो बहुत कम नंबर है तो क्या काहे जाऊँ जब फाइनल में होगा नहीं, तो ये बिल्कुल आप जाइए एक्सपीरियंस करिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचते ही कहीं ना कहीं अपने आप को आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लेस हो जाती है, है ना, रनिंग के पर्पज़ से बाकी चीज़ों में। और बहुत ज़्यादा सोचिए, 1/3 बच्चे जो है पास होते हैं, मात्र पास होते हैं, छांट नहीं दिया जाता है, मात्र पास होते हैं फिजिकल में, बहुत कुछ क्राइटेरिया भाई, कोई चेस्ट से बहुत ज़्यादा बच्चे, हाइट से बहुत ज़्यादा बच्चे और रनिंग से बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो अंततः फिर मेडिकल होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब छांट छूट के 1/3 आते हैं, 1/3 32% पिछली बार की बात है, तो मान लीजिए इस बार भी ऐसा होने वाला है, है ना, क्योंकि टाइम का भी जो है अभी तो थोड़ा टाइम मिल गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है और चरम सीमा पे गर्मी भी है, तो कट ऑफ बिल्कुल वेरी करता है, किसी का 2-3 नंबर पे ही हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा पर भी नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब वीडियो बहुत लंबी ना हो और बस आप जाएँ अपना, जहाँ तक आपका काम है आप 100% काम करिए अपना, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, समझ रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा जब भी मैं अगला वीडियोस अपलोड करूंगा, और चैनल के साथ बने रहिए निसंदेह। बाकी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपकी अपनी जो है डाउट्स हैं वो कर दीजिए, और बाकी डेटा मैं इसका रिसर्च कर चुका हूँ कि क्या कट ऑफ कैसा क्या होने वाला है,
कट ऑफ कम तो जाएगी ही जाएगी अपेक्षाकृत पिछले भर्ती से, तो निसंदेह आप जाइए। मैं कट ऑफ चाहता हूँ कि अभी आप कट ऑफ देख करके अपने आप को एनर्जी लेस ना करें, ठीक है, जिनका कम नंबर है तो आप जाएं और फ्री माइंड जाइए, अपना 100% दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद जय भारत।